बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने बनाई है मटन मसाला बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और एक एक दाना देखिए चावल का कितना अच्छा सा खिला खिला सा है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनाना हम बताएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ये वीडियो। तो इसके साथ में रायता और सलाद हो तो मज़ा आ जाता है, या आप कचुंबर भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ बना के तैयार किए, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर में तेल डाला है 1/3 कप, और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल के इस तरह सॉफ्ट होने तक पका लिए हैं। अब हम इसमें 1 किलो मटन डाल देते हैं। अच्छे से हमने धो के साफ़ करके रखा है मटन को, और मटन ज़्यादा हड्डी वाला नहीं लें, मिक्स वाला लें, और इसे भून लेते हैं हम। साथ में पहले मैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। तो ये इसमें मैंने 5 हरी मिर्च पीसी है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, और तकरीबन 3 डली लहसुन के लिए। इन सभी को अच्छे से पीस लिया है। टोटल 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल लें आप। यदि आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए ये भुन चुका है हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनेंगे हम। अब हम इसमें कुछ गरम मसाले डाल देते हैं। तो आप चाहें तो पहले डाल सकते हैं, लेकिन हम बाद में डाल रहे हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर तेज़पत्ता डाल दिया है, दो ये थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी, 2-3 हरी इलायची डाल दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, और 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए, 2 बड़ी इलायची डाल दी है। तो ये सभी मसाले जो बाकी के आधे आधे हमने बताए ये चावल में डालेंगे। अब हमने इसमें मिक्स करने के बाद कुछ पाउडर मसाले डाल देना है। गैस की फ्लेम हाई पर है, तो यहाँ पर धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं हम इसमें 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, आप चाहें तो कम कर सकते हैं, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक और मिर्च हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर भून लेंगे। तो ये देखिए बस इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे टोटल 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी, यानी कि 200 ml पानी डाल देंगे हम। कुछ पानी प्याज का भी रहेगा, कुछ गोश्त का भी, तो गोश्त को गला लेना है। इसे अब हम कवर कर देते हैं अच्छे से, और तकरीबन 5 से 7 प्रेशर आने तक इसे कुक कर लें, जब तक कि गोश्त 90% तक कुक नहीं हो जाता। तो ये देखिए प्रेशर निकल चुका है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हमने गैस की फ्लेम ऑन की है, और अब हम बाकी के सामान इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर को बारीक काट के ले लिया है। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही गाढ़ा वाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप बाद में यूज़ करिए तो ये जो ग्रेवी में टेस्ट रहेगा वही चावल में आने वाला है। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम बिरयानी का मसाला डाल रहे हैं, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च को मोटा मोटा काट लिया है, और 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये छोटा लग रहा था, तो मैं इसका बर्तन चेंज कर देती हूँ। ये देखने इधर एक पतीले में हमने इसको डाल दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 आलू। तो आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने, अच्छे से धो लें, छील लें, और उसके बाद डाल दें, अच्छे से मिक्स करें। इसमें ग्रेवी रखने के बाद ही हम इसका इसमें जो चावल ऐड करेंगे इसको बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं तोड़ना है। तो इधर एक दूसरे बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा है, और इसमें हम नमक डाल देते हैं चावल के हिसाब का, और जो गरम मसाले हमने बचाए थे वो डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 गिलास लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है, उसे धो के हमने तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगा दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम चावल ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 3 से 4 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि इसका पानी जो निकल जाएगा इस वजह से नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही करें ऐड इसमें, एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखें। तो हमने यहाँ पर चावल डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इसे हमने तकरीबन 85-90 तक कुक करना है। थोड़ा सा हमने इसे कच्चा ही रखना है। तो यहाँ पर ये 85% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हो चुका है गोश्त। इतना मसाला हमने इसमें रखना है। यही मसाले के साथ चावल पकेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो अब हम इसमें चावल डाल देते हैं जो हमने बॉईल करके रखे हैं, और इसीलिए हमने चावल को कम पकाया है। ऊपर से आपको इसमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह चावल बहुत ही अच्छे मुलायम हो जाएंगे। इसे बराबर कर देते हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं हरा धनिया। यदि आपके पास पुदीना हो तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन बारिश का मौसम है, पुदीना अभी अच्छा नहीं आ रहा है। और साथ में हम इसमें हरी मिर्च के टुकड़े मोटे मोटे काट के डाल दिए मैंने, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्च, और तले हुए प्याज डाल देंगे ऊपर से। तो एक बड़े साइज़ का प्याज अच्छे से फ्राई करके निकाल के रखा है हमने, वो डाल देते हैं इसमें। छोटे हों तो 2 से 3 ले लें। बिरयानी में प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है बिरयानी। तो थोड़ा सा फूड कलर लेके मैंने पानी में उसको घोल के डाल दिया है। और ये जिस कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी वही तेल 3 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। इसे कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दें, गैस की फ्लेम स्लो कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिरयानी बन करके तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबूदार बिरयानी बनी है, मसालेदार। तो ये देखिए हम आपको बता देते हैं, चावल खिला खिला है ऊपर का, ये मुलायम हो चुका है। तो चलिए डिश आउट करते हैं इसे। और गोश्त भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हुआ है माशाल्लाह, और बहुत ही मज़े का है। तो बिरयानी के साथ में सलाद और रायता या कचुम्बर जो भी हो, जो आपको पसंद हो, वो उसके साथ इसे सर्व करें। ये देखिए बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप भी बनाएं, ज़रूर बनाएं इसी तरीके से। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।